ये भाई हिडन पैराडाइज ऐसे ही नहीं बोलते इसको, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइज आज जा रहे हैं हम देहरादून की वन ऑफ द हिडन प्लेस बोल सकते हैं, वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेस, मतलब बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, लोग ना उसको इतना रेकनाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। तो आज जा रहे हैं हम, आपको बता ही देता हूँ, गुल्डर घाटी। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है और मेरे घर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर है और सबसे मस्त प्लेस है गाइज ये। लेकिन ना यहाँ पे क्यों इसका नाम खराब हुआ गुल्डर घाटी का और क्यों लोग इतना इसको पहचानते नहीं और लोग यहाँ पे क्यों ज़्यादा घूमने नहीं आते, वो आपको मैं बताऊँगा। अभी हम जा रहे हैं गुल्डर घाटी। गुल्डर घाटी जाने का रास्ता क्या है आपको सीधा मैं बता देता हूँ, अगर आप आना चाहते हो ठीक है तो आपको सीधा परेड ग्राउंड आना है, ठीक है। तो देहरादून का मेन परेड ग्राउंड है, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी गुल्डर घाटी वाली, जो रायपुर गुल्लर घाटी वाली बस होती है, उस बस में बैठ के आपको गुल्लर घाटी चौक जाना है। चौक के बाद मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको गुल्लर घाटी निकालना है रास्ता, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं सीधा, आपको सीधा मिलता हूँ मैं आपको चौक में पहले, तो ठीक है। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं गुल्लर घाटी के मेन चौक पे, जैसे ये देख पा रहे हो आप अंजलि गेस्ट हाउस है, तो ये है गुल्लर घाटी का ना मेन चौक, ठीक है। यहीं पे बसें खड़ी होती है, देखो रायपुर गुल्लर घाटी वाली बस यहाँ पे खड़ी हो रही है। तो गुल्लर घाटी का रास्ता कहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ से आना है चौक से, चौक से आपको राइट मुड़ जाना है, ठीक है। आगे से भी रास्ता है लेकिन वो रास्ता बेकार है क्योंकि वहाँ पे ट्रक वगैरह रहते हैं, ये वाला रास्ता थोड़ा सेफ है और सिक्योर है, सही रास्ता है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा जाना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ से आगे चलेंगे हम तो आगे आएगा मंदिर, तो मंदिर से हमें लेफ्ट मुड़ना है, तो सीधा मंदिर में मिलता हूँ आपको, सीधा मंदिर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये हम आ चुके हैं, ये तिराया है, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट आना है, ये मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे ये भद्रकाली का मंदिर है शायद, और यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है गुल्लर घाटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब रास्ता स्टार्ट हो जाता है, तो भाई सीधा सीधा चलना है। ये भी यहाँ पे ए बी फिटनेस जिम भी दिखेगा आपको, ये हमारे भैया का जिम है, तो यहाँ पे आ सकते हो, जिम कर सकते हो अगर गुल्लर घाटी रहते हो तो। भाई तो सीधा ये मंदिर है, सीधा ही है, ठीक है गाइस। तो देखो जो ये वाली रोड है या वो आगे जो मैंने रास्ता दिखाया था ना, जहाँ ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं वहाँ से है, लेकिन वो रास्ता ना काफ़ी अनसिक्योर सा क्योंकि वहाँ पे ट्रक वगैरह है और वहाँ पे बेकार सा सीन रहता है यार, थोड़ा अजीब सा गंदा सा सीन है, इसलिए वहाँ से नहीं लेके आया मैं आपको, सीधा आपको मेन टू मेन रास्ते से लेके आया ताकि आपको पता चल पाए, सीधा सीधा रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। घाटी में हम भी गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गाड़ी को रोकना है। दो दो जगह है गुल्लर घाटी में नहाने वाली, पहले हम ये दिखाते हैं आपको जो मेन जगह है नहाने वाली, उसके बाद दूसरी दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, ये रहा पीपल का बेड, ये प्राइमरी स्कूल है, इसके ही अपोजिट में हमारा गुल्लर घाटी का रास्ता है, ठीक है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो अभी चलते हैं हम, अब देखो भाई यहाँ से ना दो जगह है गुल्लर घाटी की, ये है नहाने वाली और आगे भी है घूमने वाली। तो पहले हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा अभी हम रास्ते से आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारा रास्ता, अभी यहाँ पे देखो पता नहीं किसने यार कहाँ से तोड़ दिया यार, क्या करोगा। तो चलो भाई चलते हैं, हमारे हरमित भाई ये रहे, ठीक है। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, रास्ता दिखा रहे हैं आपको। तो गाइस यहाँ ना बचपन में आता था मैं, सच्ची बता रहा, मतलब बहुत मज़ा आता था जब गर्मियों की छुट्टियों में आता था मैं, 10th में 9th 8th, मतलब मैं काफ़ी टाइम पहले से आ रहा हूँ यहाँ पे, और अब कितना चेंज हो गया मैं सच्ची बता रहा हूँ, अब यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 5-6 साल बाद आ रहा हूँ गुल्लर घाटी। और वीडियोज़ तो मैं बहुत पहले ही बना लेता लेकिन हमने छोड़ दिया इसको, अभी गुल्लर घाटी आने ही मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया था। यहाँ पे ना गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो गुल्लर घाटी में, तो यहाँ पे भाई हाथी वगैरह भी बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है, मतलब हाथी वगैरह यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ध्यान से आना ब्रो, क्योंकि यहाँ पे यार आ रहे हो तो भाई एक चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, पार्टीज़ वगैरह करते हैं भाई, पार्टीज़ करो, दारू वगैरह मत लेके आओ भाई, साफ से दीवार से आ रहे हो भाई, दारू वगैरह भाई अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ के लोग पेलेंगे आपको। आप आ सकते हो, इन्जॉय करो, यहाँ पे घूमो फिरो, लेकिन गंद मत फैलाओ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गंद फैला रही है लोगों ने, और अभी हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ा बहुत क्लीनिंग करने की, अभी दिखाते हैं आपको अपनी। यार लोगों ने यार क्या बैंड बजा रही है, अरे यार ये देखो माता की तस्वीर है इसको, यार ये चीज़ें मत करो यार, अब क्या बोलूँ मैं, तो गाइस यार ये चीज़ें मत करो करो यार, लोगों ने ना ऐसा कर रखा है यार, भगवान की तस्वीरों को भी यार माफ़ करना माता, कुछ भी गलती हुई होगी। अभी चल रहे हैं हम यहाँ से, तो ये देखो बेटा भाई ये गलत बात है, इस तरह तस्वीरें है ना। तो गाइस अभी आप चेकआउट करो द प्लेस, जिस जगह पे हम आ रखे हैं, और यहाँ मेरे भाई लोग नहा रहे हैं गाइस, पानी देखो उतना जहर है यहाँ पे, वो पानी है या हीरो लौंडिया आज। सो गाइस अभी जाते हैं नहाने का, क्या करूँ यार, नहाऊं कि नहीं नहाऊं, क्या करूं यार, समझ भी तो नहीं आ रहा है मुझे, मैं नहीं नहाऊंगा बेटा, तुम ही नहाना, ठीक है भाई ठीक है, भाई का कच्चा बैठा है गाइस, अरे ये क्या बात हुई। तो अभी ये देखो लेकिन लोग आते हैं ना गाइस, ये देखो यार, मतलब यार साफ सफाई कर दिया करो, अभी हम भी उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जितना हमसे होगा कोशिश करेंगे उतना साफ कर दें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पानी कितना कितना है, तो पानी के अंदर जा रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, समय देख लो, टाइम दिखा दे दोबारा एक बारी भाई, ठंडा हो रहा है लेकिन यार, है ना भाई, टाइम बता रहा हूँ 1:30 बज रहा है और मौसम देखो कितना खराब हो रहा है, अभी 2 बजने वाले हैं और मौसम देख लो, धूप भी नहीं है भाई, ऐसी छाया छाया सी है पूरी। तो अभी हम यहीं जा रहे हैं, देख लो भाई, टाइम मार के दिखाएंगे, तो अभी कोशिश करते हैं गाइस, भाई कैसे जाऊँ,
सो गाइस अभी आ रहे हैं पानी में और भाई बहुत क्रिस्टल इतना क्लियर पानी है, मतलब ना मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इतना क्लियर साफ पानी होगा यहाँ पर। अब पानी देखना भाई कितना क्लियर है, पानी क्लियर रेत की वजह से ही है। हाँ तो वो तो है ही, लेकिन फिर भी बंदे ना रहे, फिर भी साफ पानी है बिल्कुल ही ना। तो गाइस ये है देखो उत्तराखंड, ये गुल्ला हट्टी की खूबसूरती। नवरात्रि में मत करो कांड, तुम्हें तुम्हें पाप लग जाएगा यार। हम तो तुम्हारा भला चाह रहे हैं, तुम्हें मानना है मर दो। हम तो सबके भले की सोचते हैं गाइस, हम अच्छे इंसान भी, सबके भले की सोचते हैं, अच्छे इंसान भी है। देखो हम ये भाई अच्छा इंसान है, मान नहीं रहा। देखो मैंने भाई को बोला, हाँ सही बात है यार, छोड़ दो उसे, इसको आजाद कर दो यार, बच्चे परेशान कर रहे हैं उसको। ये बहुत खुश नसीब है। टेक केयर केकड़े जी, मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। मतलब छोड़ दिया भाई ने, बढ़िया काम करा। ये वाली जगह तो हमने एक्सप्लोर कर ली, अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, गुल्ला घाटी वाली, यहाँ से हम निकल रहे हैं, दूसरी वाली जगह जा रहे हैं जो हमारा पिकनिक स्पॉट टाइप है। ये वाला नहाने का एरिया है, यहाँ भी पिकनिक स्पॉट हो सकता है, बट यहाँ पे बेसिकली बंदे आते हैं नहाने के लिए। तो देखो अब अभी तक कुछ भी बंदे नहीं थे, अब देखो सारे भाई लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया जगह है यार ये, और यहाँ पे अगर और अच्छा हो जाएगा ना, यहाँ पे सरकार पैसा लगाएगी तो बहुत सेक्सी हो सकता है ये गुल्ला घाटी। हाय या एक नाने आ रखा घर के, घर वालों का बिना बताए, देख अभी तेरे पापा देखेंगे ये वीडियो ना। नहीं बिल्कुल नहीं आ रही शर्म, बे बेशरम हूँ भाई, पैसा मांग रहे हो उससे। हाँ दो तीन रिश्वत खोर आदमी, रिश्वत खोर मांगने पड़ते हैं। तो गाइस हम चल रहे हैं ऊपर गुल्ला घाटी की दूसरी वाली जगह दिखाएंगे आपको, क्योंकि ना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो गुल्ला घाटी में ना दो जगह है, एक तो पिकनिक वाली है और एक नहाने वाली है। यहाँ भी पिकनिक होता है लेकिन यहाँ के रास्ते बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो पिकनिक वाली दूसरे, जहाँ पे लोग आते हैं घूमते हैं नहाते हैं धोते हैं, वहाँ पे मतलब आप अपना चूल्हा वगैरह भी लेके आ सकते हो और वहाँ पे आप खाना वगैरह बना सकते हो, मतलब मैगी वगैरह। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ प्राइमरी स्कूल, ठीक है, यूट्यूबल तो नहीं है यहाँ पे। चल रहे हो, क्यूट गर्ल क्या बोल रही थी कि बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। चले चले